नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 23 मई। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहारवासियों को पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम होने के लिए करना होगा इंतजार। बिहार में इस आधार पर होगा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का चयन। बिहार में देसी गायों को बढ़ावा देगी सरकार। बिहार के स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने को लेकर शुरू होगी बड़ी पहल। बिहार में 2 दिनों तक आंधी पानी और ठंड का क्या आसार। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में ओपन यूनिवर्सिटी खोलना हुआ आसान। बिहार में अब ओपन यूनिवर्सिटी की शुरुआत आसानी से की जा सकती है। कुछ समय पहले ही ओपन यूनिवर्सिटी के UGC फिटनेस नियम 1989 में संशोधन करने के लिए UGC द्वारा एक गजट अधिसूचना जारी की गई थी। इसकी अनुमति शिक्षा मंत्रालय ने 20 मई को दे दी है। शिक्षा मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने इस संबंध में UGC को पत्र और गजट की कॉपी भी भेज दी है। दूरस्थ शिक्षा और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश में ओपन यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नियमों को लेकर हुए संशोधन पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की मुहर 20 मई को लग गई है। इस संशोधन के अनुसार ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए 40 से 60 एकड़ भूमि की आवश्यकता को केवल 5 एकड़ की विकसित भूमि तक सीमित कर दिया गया है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे इम्तियाज अली की। इम्तियाज अली आज बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर लेखक है। वो बॉलीवुड में जब वी मेट, हाईवे जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। इम्तियाज हिंदी सिनेमा के सफल निर्देशकों में से एक है। इम्तियाज अली का जन्म 16 जून 1971 में जमशेदपुर में हुआ था। वैसे तो वो बिहार के दरभंगा के मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता मंसूर अली इरिगेशन विभाग में कार्यरत थे। वो निर्देशक आरिफ अली के बड़े भाई हैं। आरिफ ने फिल्म लेकर हम दीवाना दिल से हिंदी सिनेमा में अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया था। पटना में अपना बचपन बिताकर इम्तियाज ने बॉलीवुड की तरफ अपना कदम रखा। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत टेलीविजन के छोटे कार्यक्रम से की थी। बॉलीवुड में इनके द्वारा निर्देशित जब वी मेट एक कभी ना भूल पाने वाली फिल्म है, जिस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी। इसके बाद उन्होंने ब्लैक फ्राइडे, लव आजकल, तमाशा, रॉकस्टार जैसी सफल फिल्मों का भी निर्देशन किया है। बिहार में इस आधार पर होगा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का चयन। बिहार में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का चयन अब शैक्षणिक योग्यता के आधार पर होने वाला है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार राज्यभर में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के चयन में धांधली को रोकने के लिए चयन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। इसको लेकर विभाग एक नया ड्राफ्ट तैयार कर रहा है, जिसे जल्द कैबिनेट में स्वीकृति के लिए भेज दिया जाएगा। नए प्रस्ताव में अभी की चयन प्रक्रिया में होने वाली आम सभा की भूमिका खत्म हो जाएगी। सेविका और सहायिका के चयन में योग्यता को आधार बनाया गया है। इसके लिए कम से कम मैट्रिक और अधिक से अधिक स्नातक, PG या फिर किसी विषय में पास उम्मीदवार आवेदन कर पाएंगे, ताकि अंक के आधार पर चयन किया जा सके। बिहार में देसी गायों को बढ़ावा देगी सरकार। बिहार में देसी नस्ल की गायों की सुरक्षा अब की जानी है। बिहार में देसी नस्ल की गायों की लगातार कम होती संख्या को देखते हुए अब संवर्धन और संरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में अलग इकाई की स्थापना की जा रही है। इसका नाम देसी गौवंश संरक्षण और संवर्धन संस्थान होगा। इसमें गिर, साहिवाल, बछौर और पूर्णिया आदि नस्ल की गायों का संवर्धन किया जाएगा। प्रारंभिक तौर पर 200 गायों और 10 सांडों की खरीद की जा रही है। इस इकाई के लिए पहले चरण में अधिकारियों और कर्मियों के अलग से 71 पद सृजित किए गए हैं। शीघ्र ही नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। पहले चरण में योजना पर 40 करोड़ रुपए खर्च का प्रावधान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में पेश होगी बिहार में बालू खनन पर रिपोर्ट। बिहार से बालू की किल्लत को खत्म करने की कोशिश में सरकार लगातार लगी हुई है। इसी के तहत बीते वर्ष नवंबर में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदेश के 16 जिलों को जिला सर्वे रिपोर्ट तैयार करने को कहा था। रिपोर्ट में पर्यावरणीय स्थिति, नदियों में बालू की उपलब्धता जैसे कई बिंदुओं को शामिल किया जाना था। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही नई खनन नीति को मंजूरी दी जानी थी, लेकिन अब जो जानकारी निकल करके सामने आई है, उसके अनुसार कोर्ट के आदेश के बाद जिलों ने जिला सर्वे रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसे जल्द ही कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। को लेकर ही खान एवं भूतत्व विभाग की जानकारी के अनुसार जिला सर्वे रिपोर्ट में कई विभागों की अहम जिम्मेदारी निर्धारित है। कोर्ट के आदेश के बाद जिलों ने यह सर्वे रिपोर्ट तैयार कर ली है और इस पर राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकार की सहमति भी मिल चुकी है। CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला ने काली रख दिया। CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला ने वैज्ञानिक के कुल मिलाकर 25 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए अनुशासन की बात करें तो इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, इलेक्ट्रिकल, नॉन लाइनियर ऑप्टिक्स, अप्लाइड ऑप्टिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, कंप्यूटर एप्लीकेशन या समकक्ष तय किए गए हैं। इसके साथ ही अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास प्रासंगिक विषय में ME, MTech, PhD की डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 30 मई 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.npl.india.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं।
बिहार के स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने को लेकर शुरू होगी बड़ी पहल। बिहार में कटघरे में खड़े रहने वाली शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की मुहिम में बिहार की नीतीश सरकार जुटने वाली है, जिसके तहत ही बिहार के स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने को लेकर बड़ी पहल शुरू होने वाली है। सरकार की योजना के अनुसार बिहार में 74,330 प्रारंभिक, 9,360 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा को बेहतर बनाने की कोशिशों के तहत उसमें आने वाले बदलावों का सालाना आकलन होगा। खास बात यह है कि इसके लिए शिक्षा विभाग के स्तर पर स्वतंत्र इकाई गठित होगी, जो इस व्यवस्था को देखेगी। इस मुहिम को इसी साल से शुरू करने की तैयारी है। मैं स्कूलों के साथ विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा, इसके आधार पर ही उन्हें जरूरी सुविधाएं और मदद की जाएंगी। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के मुताबिक स्कूली शिक्षा में अब इनोवेशन पर फोकस ज्यादा होगा, जिसमें प्रत्येक स्कूल में इस दिशा में उठाए गए कदमों और ऐसी प्रतिभाओं को पहचाना जाएगा। बिजली देर पनप सकता है बिहार में सरिया उद्योग। राज्य में हर महीने 2,00,000 टन सरिया की खपत होती है। 1,00,000 टन का उत्पादन बिहार की कंपनियां करती है। ऐसे में बिहार में सरिया उद्योग को बढ़ावा देने में लग गई है। उत्पादकों का कहना है कि राज्य में ही हम मांग और आपूर्ति के बीच की कमी को दूर कर ले तो बाहर के सरिया की जरूरत अपने आप कम हो जाएगी। इसको लेकर उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन कहते हैं कि राज्य में उत्पादित सामानों की खरीदारी को प्राथमिकता दी जा सकती है। यहां भी मेक इन बिहार आंदोलन की जरूरत है। अगर ये हुआ तो निश्चित रूप से उत्पादकों को बड़ी राहत मिलेगी। बिहार स्थित अपनी संरचना को किसी दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के बारे में विचार कर रहे हैं। कम से कम झारखंड की नीतियां बिहार की तुलना में हमारे लिए अधिक लाभकारी लग रही है। अगर किसी कारखाने में प्रतिदिन 2,000 टन सरिया का उत्पादन होता है तो प्रत्यक्ष तौर पर 200 से 250 कामगार स्थायी रोजी पाते हैं। कारखाना परिसर के आसपास भी 250 से 300 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलता है। बिहार में मिले कोरोना के 8 मामले। बिहार समेत देशभर में कोविड 19 के मामलों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 8 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 39 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो पटना में 6, खगड़िया में 1, मधुबनी में 1 मामले की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 96,916 सैंपल की जाँच की गई। वहीं इस दौरान 11 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। सारण के गौतम स्थान में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। गौतम ऋषि का आश्रम सारण जिले के रिवीलगंज नगर क्षेत्र में स्थित है। स्थान की प्राचीन और धार्मिक मान्यता यह है कि जब गौतम ऋषि ने क्रोध में अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप देकर पत्थर बना दिया था, तब कई सौ वर्ष बाद भगवान राम ने उनका उद्धार किया था। गौतम स्थान रिवीलगंज में कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा और सरयू नदी के संगम स्थल पर हर साल लगने वाला गोदना सिमरिया नहान मेला धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। गौतम ऋषि मंदिर प्रांगण में भगवान श्रीराम का पदचिन्ह आज भी मौजूद है, जो कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाले मेले में आए लोगों का दर्शन का केंद्र बिंदु होता है। बिहार में बनने जा रहा है राज्य का दूसरा एनिमल हॉस्पिटल। बिहार के जानवर अब और ज्यादा सुरक्षित रहने वाले हैं, क्योंकि जल्द ही बिहार का दूसरा एनिमल हॉस्पिटल खुलने वाला है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार राज्य के जंगलों में घायल या बीमार बाघों का इलाज करने के लिए अररिया के रानीगंज में राज्य के दूसरे एनिमल हॉस्पिटल का निर्माण होगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिकारी के अनुसार अररिया स्थित रानीगंज में 4 एकड़ जमीन पर दिसंबर तक 2 मंजिला हॉस्पिटल निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। पहले हॉस्पिटल के अंदर क्या क्या सुविधा होगी, इसकी रिपोर्ट बनाकर विभाग इसी महीने सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भेजेगा। इसके बाद जैसे ही मंजूरी मिलेगी हॉस्पिटल निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। यहां गंभीर रूप से बीमार या फिर घायल जंगली जानवरों का इलाज होगा। इसके साथ ही इस हॉस्पिटल में जंगली जानवरों के इलाज करने के लिए अत्याधुनिक सुविधा से लैस भी कई सुविधाएं दी जाएंगी। दक्षिण कोरिया के राजदूत ने लिया पटना के नए गंगा पुल का जायजा। पटना में बन रहे निर्माणाधीन न्यू गंगा ब्रिज का जायजा लेने बीते दिन दक्षिण कोरिया के राजदूत चांग जे बोक को पहुंचे। पुल का निर्माण करने वाली कंपनी देबू ENC कोरिया की है। इसी पुल का जायजा लेने दक्षिण कोरिया के राजदूत ने साइट का दौरा किया। आपको बता दें कि ये पुल NH-30 पर पटना जिले में कच्ची दरगाह से लेकर NH-103 पर वैशाली जिले के बिद्दुपुर तक बन रही है। वहीं उनकी दौरे के बाद कहा गया है कि ये पुल बिहार के भीतर आदान प्रदान और कोरिया बिहार संबंधों के विस्तार में भी योगदान देगा। उन्होंने कहा कि हम देबू ENC और LNT को धन्यवाद देते हैं। वहीं परियोजना की बात करें तो इसमें वायडक्ट्स, रेलवे ओवरब्रिज, प्रमुख पुल और सड़क कार्य भी शामिल है। इसे 4 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि कोरोना और अन्य कारणों से निर्माण कार्य लंबा खींचा है। बिहार में 2 दिनों तक आंधी पानी और ठनका के आसार। बिहार का मौसम सुहाना होता जा रहा है। तपती गर्मी के बीच अब लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। हालांकि बिहार वासियों को अभी गर्मी से राहत मिलती रहेगी।
बिहार में अगले दो दिनों तक आंधी पानी के साथ साथ ठनके का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के मुताबिक इसकी मुख्य वजह पूर्व पश्चिम ट्रफ लाइन का गुजरना है, जिसकी वजह से चक्रवाती दबाव का केंद्र बिहार में बना हुआ है। हालांकि ट्रफ लाइन की दिशा सोमवार से दक्षिण उत्तर हो जाएगी। ऐसी स्थिति में दो दिन बाद बिहार की मौसमी दशा सामान्य होने के आसार बन सकते हैं। इन मौसमी दशाओं के बीच बिहार में रात और दिन का तापमान सामान्य से नीचे पहुंच गया है। आंधी पानी की वजह से बिहार में प्री मॉनसून बारिश अब सामान्य से 15% अधिक हो गई है। राज्य में मातृ शिशु मृत्यु दर में आएगी कमी। बिहार में जल्द ही मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी लाने की उम्मीद जताई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इसके संकेत दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की माने तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा ANM की तरफ से गर्भवती महिलाओं और बच्चों को दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। जिलों में ANM द्वारा दी जा रही रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज से संबंधित आंकड़ों को अब RCH रजिस्टर के साथ साथ RCH पोर्टल पर भी अपलोड किया जा रहा है। इस प्रक्रिया को सख्ती से पालन करने का निर्देश जिलों को दिया गया है। इसके माध्यम से राज्य में मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जाएगी। ANM को उपलब्ध कराए गए टैबलेट के उपयोग से अनमोल ऐप के माध्यम से उक्त आंकड़ों को RCH पोर्टल पर अपलोड करने के साथ ही आंकड़ों को अपडेट भी किया जा रहा है। बिहार के 9 जिलों में इस साल से शुरू होगा 275 किलोमीटर लंबाई में स्टेट हाईवे का निर्माण। बिहार की नीतीश सरकार इन दिनों बिहार में एक के बाद एक सड़क योजनाओं को जमीन पर उतारने में लगी हुई है। इसी कड़ी में अब राज्य के 9 जिलों में करीब 275 किलोमीटर लंबाई में करीब 2680.33 करोड़ रुपए की लागत से स्टेट हाईवे का निर्माण इसी साल शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसमें पश्चिम चंपारण, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, खगड़िया, सहरसा, नवादा, औरंगाबाद और बांका जिला शामिल है। इससे सभी 9 जिलों में आवागमन की बेहतर सुविधा विकसित होगी। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार इन सड़कों का निर्माण बिहार स्टेट हाईवे प्रोजेक्ट 3 के तहत किया जाएगा। सभी सड़कों के निर्माण की जिम्मेदारी बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड को दी गई है। योजना के अनुसार सभी SH का निर्माण इस साल के अंत तक शुरू हो जाएगा। इसमें से केवल SH 95 को बनाने में करीब 4 साल लगेंगे। ऐसे में ये 2026 तक तैयार हो सकेगा। BSSC अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से आयोजित प्रथम इंटर स्तरीय भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी। क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र को लेकर आ रही परेशानियों का अब समाधान मिल गया है, जिसके तहत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र के कारण अब उनके परिणाम पर कोई असर नहीं होगा। राज्य सरकार ने उनके लिए साल 2013-14 के लिए प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया है। तय योजना के अनुसार बिहार कर्मचारी चयन आयोग प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 के पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के सफल उम्मीदवारों के लिए विशेष क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बनेगा। बिहारवासियों को पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम होने के लिए करना होगा इंतजार। हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से एक्साइज ड्यूटी कम करने से कीमतों में भारी कमी आई है। इसमें पेट्रोल 9.5 रुपए और डीजल 7 रुपए प्रति लीटर तक सस्ता हुआ है। वहीं LPG सिलेंडर पर 200 रुपए सब्सिडी का ऐलान किया गया है। लेकिन अभी बिहार वासियों को पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम होने के लिए इंतजार करना होगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने का निर्णय सराहनीय है। हालांकि बिहार में पेट्रोल डीजल पर राज्य सरकार द्वारा टैक्स कम करने के सवाल पर सीएम नीतीश ने कहा कि इस पर बात करके निर्णय होगा। टैक्स कम करने पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। इस मुद्दे पर हम लोग आपस में बात करेंगे और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। केंद्र सरकार के टैक्स कम करने से लोगों को राहत मिली है। राज्य सरकार भी इसको लेकर आपस में बात करेगी, उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे। कभी भी अस्थिर हो सकती है बिहार सरकार। बिहार की नीतीश सरकार भले ही NDA में ऑल इज वेल के दावे करती आई हो, लेकिन विपक्ष जल्द ही सरकार के गिरने के दावे कर रहा है। इसी के तहत अब कांग्रेस के विधान पार्षद प्रेमचंद मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भाजपा और जदयू के बीच तल्ख होते संबंधों का हवाला देते हुए दावा किया कि बिहार सरकार में कभी भी अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। मिश्रा ने कहा कि पहले से ही जदयू और भाजपा के बीच खींचतान चल रही है। भाजपा किसी भी हालत में बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। अब जब राज्यसभा चुनाव होने हैं तो जदयू के अंदर भी जबरदस्त खींचतान देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार अपने नेताओं और मंत्रियों के साथ बैठक करते नजर आ रहे हैं। सुशील मोदी ने ललन शरद शिवानंद के बारे में किया बड़ा खुलासा। राजद सुप्रीमो के 17 ठिकानों पर हुई CBI छापेमारी के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से अभी तक बयानबाजियों का सिलसिला जारी है। राजद की तरफ से इसे साजिश बताया गया है। वहीं भाजपा सांसद और बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने इसके लिए शिवानंद तिवारी, ललन सिंह और शरद यादव को जिम्मेदार ठहराया है। इसके तहत ही बीते दिन मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि शिवानंद तिवारी, ललन सिंह और शरद यादव ने 22 अगस्त 2008 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को CBI जांच के लिए जो ज्ञापन दिया था उसी पर CBI ने कार्रवाई की है। लालू जी भूल गए हैं कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और अपराध कभी मरता नहीं है। श्रवण कुमार को जदयू ने दी बड़ी जिम्मेदारी। वहीं राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर CM ने दिए संकेत।
बीते दिन जदयू पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और बिहार के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार को बड़ी जिम्मेदारी दे दी, जिसके तहत ही उन्हें झारखंड का प्रदेश प्रभारी मनोनीत किया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि श्रवण कुमार जदयू के संगठन और सरकार में लंबे अरसे से काम कर रहे हैं। अब पार्टी ने उन्हें झारखंड के प्रभारी का जिम्मा सौंप दिया है, जिसका ऐलान बीते दिन बुलाए गए बैठक के बाद हुआ। साथ ही इस बैठक में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्यसभा उम्मीदवार के नाम की घोषणा समय पर हो जाएगी। समय से पहले नाम घोषित करने जरूरत क्या है? रविवार को प्रदेश जदयू कार्यालय में पार्टी नेताओं की समस्याओं को सुनने के बाद पत्रकारों से बातचीत में सीएम ने कहा कि चिंता मत करिए। लालू यादव के घर सीबीआई छापेमारी पर सीएम नीतीश ने तोड़ी चुप्पी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद यादव के कई आवास पर हाल ही में छापेमारी की गई थी, जिसके बाद से ही बिहार में राजनीति गरमाई हुई है। एक तरफ जहां राजद इसे राजनीति से प्रेरित कार्रवाई कह रही है, तो दूसरी तरफ भाजपा पूरी तरह से आक्रामक है। वहीं अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू यादव के ठिकानों पर हुई छापेमारी को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है, जिसके तहत ही सीएम नीतीश ने कहा कि लालू यादव के आवास पर जिसने रेड किया है वही बताएगा कि छापेमारी क्यों हुई। यानी कि सीएम नीतीश ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और सीधे तौर पर जांच एजेंसियों को ही पूरा मामला पता होने के संकेत दिए हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। बिछेंद्री पाल 1984 में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। पाकिस्तान का भारत को MFN का दर्जा देने से पुनः इनकार 2001 में किया गया। भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से पूरी तरह से भारत में बने स्पेस शटल RLV-TD को 2016 में लॉन्च किया। मुख्य न्यायाधीश KG बालाकृष्णन की अध्यक्षता में भारत के उच्चतम न्यायालय की 3 सदस्यीय खंडपीठ ने बिना विवाह किए महिला और पुरुष का एक साथ रहना 2010 में अपराध नहीं माना। जयपुर राजघराने की राजमाता महारानी गायत्री देवी का जन्म 1919 में हुआ। डेस्कटॉप यूजर के लिए आया व्हाट्सएप पर यह खास फीचर। व्हाट्सएप ने कथित तौर पर एक बीटा अपडेट रोल आउट करना शुरू कर दिया है, जिससे यूजर व्हाट्सएप डेस्कटॉप पर अपने अकाउंट की जानकारी के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यूरोपीय संघ के जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन का अनुपालन करने के लिए शुरुआत में यह सुविधा एंड्रॉइड और iOS पर पेश की गई है। कहा जा रहा है कि रिक्वेस्ट अकाउंट इन्फो फीचर आपके व्हाट्सएप डेस्कटॉप को लेटेस्ट बीटा वर्जन में अपडेट करने के बाद ही उपलब्ध होगा। ऐसा लगता है कि यह फीचर धीरे धीरे रोल आउट हो रहा है और कहा जा रहा है कि वर्तमान में केवल बीटा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध है। व्हाट्सएप ने इस सप्ताह की शुरुआत में ऐप का उपयोग करके अधिक व्यवसायों को प्राप्त करने के लिए फ्री क्लाउड बेस्ड API सर्विसेज की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने पटना की सड़कों पर संभाला मोर्चा। बीते दिन बिहार की सड़कों पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने उस वक्त सबको चौंका दिया जब गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव IAS सिद्धार्थ सुबह पटना की सड़कों पर साइकिल चलाते देखे गए और उन्होंने शहर का जायजा लिया। इस दौरान ही स्पोर्ट्स ड्रेस पहने और साइकिल हेलमेट लगाए सिद्धार्थ ने पटना की विभिन्न सड़कों पर साइकिल चलाकर विभिन्न सड़कों का यातायात व्यवस्था का हाल जाना। इस दौरान वो यातायात पुलिस और अन्य संबंधित कर्मियों से बात करते और दिशा निर्देश देते भी देखे गए। वो एक पेशेवर साइकिलिस्ट की तरह साइकिल चला रहे थे। वो कई उन सड़कों से गुजरे जहां आम दिनों में यातायात जाम से बेहाल रहता है। सिद्धार्थ को साइकिल चलाता देख पटना की ट्रैफिक ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी भी काफी अचंभित दिखे। अफ्रीका इंग्लैंड सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। इंडियन प्रीमियर लीग का 15वां सत्र अपने समापन की तरफ अग्रसर है और इस लीग का फाइनल मुकाबला 29 मई को खेला जाएगा, जिसके बाद भारतीय टीम एक बार नीले और सफेद कपड़ों में अपने देश के लिए जान लगाती हुई नजर आने वाली है। इसकी शुरुआत 9 जून से साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली है। अफ्रीका की टीम भारत का दौरा कर रही है। IPL 2022 के प्लेऑफ मुकाबले शुरू होने से पहले भारतीय चयन समिति ने दक्षिण अफ्रीका सीरीज और इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया का चयन कर लिया है। इंग्लैंड के साथ पिछले साल हुए टेस्ट सीरीज का आखिरी मैच कोरोना वायरस की वजह से पोस्टपोन करना पड़ा था, लेकिन अब यह टेस्ट मैच 1 जुलाई से बर्मिंघम में खेला जाएगा। भारतीय टीम के पास ये सुनहरा मौका होगा सीरीज जीतने का। रोहित की पलटन को धारदार वार करना होगा, जिसके लिए खिलाड़ियों को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना होगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है इंद्रदेव महतो, परफेक्ट यूट्यूब चैनल बाई पप्पू, नुनू कुमार, बैजू यादव, शंकर मुखिया, प्रेमराज, पृथ्वीराज, शंकर कुमार, मुकेश कुमार, दिव्यांश रवि, कैलाश कुमार राज, राज आर्यन, दिव्यांशु कुमारी। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार पेट्रोल डीजल के दाम में केंद्र सरकार की तरफ से की गई कमी के बाद क्या राज्य सरकार को भी दरों को कम करना चाहिए या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।